काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है। इसीलिए हाथ बज्र अनु ध्वजा विराजे, 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 कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, आ जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी कांधे पर यज्ञोपवी मूंज मेखला ब्रह्मचारी का रूप है। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मेखला का वर्णन है, मूंज की मेखला यज्ञोपवी धारण करते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, रामचरितमानस में विशेष रूप से दो ब्रह्मचारियों का वर्णन है, एक तो श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, और एक दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी। लेकिन दोनों में एक अंतर है, क्या? हनुमान जी को कभी यह याद नहीं रहती कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी के साथ दूसरी कठिनाई वे कभी भूलते नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जहां जाते वहां यही कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। भगवान सामने खड़े, भगवान के सामने। अच्छा देखो, विडंबना क्या है, अभिमान से हनुमान परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्या है? बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, यह तो दिखाई दे रहा है, पर सामने ब्रह्म खड़े हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। अरे आप तो ब्रह्मचारी हो, पर सामने तो राम, ब्रह्म व्यापक जग जाना, ब्रह्म सामने ही खड़े हैं श्री राम जी, पर ब्रह्मचारी। और लक्ष्मण जी परवाह नहीं करते और बोले क्या, बोले चितय परस की ओरा रेसठ सुनियो स्वभाव न मोरा, फरसी की तरफ देखा, देखो तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। फरसी की तरफ क्यों देख रहे थे? ताकि लक्ष्मण जी भी उधर देखें। कुछ लोगों की आदत होती, जिधर दिखाना चाहते हैं तो बात करेंगे, सामने वाले से देखेंगे उधर, ताकि वो भी उधर देखे। एक आदमी को सोने की अंगूठी मिल गई, क्षुद्र प्रकृति का आदमी था, पहली बार सोने की कीमती अंगूठी मिली, सो जिससे भी बात करता था वो अंगूठी आगे करके, और भाई साहब क्या हाल है, और ठीक है सर, बहुत दिन में मिले, बहुत बढ़िया। लोग कहते अजीब आदमी, अरे मोहन से बोले ये उंगली ऐसे ऐसे करने का क्या क्या मतलब, देख लें लोग। ऐसे क्या, मिठाई की दुकान पर, एक पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, वो अपना चादर ओढ़े ब्राह्मण देवता बैठे थे, और पंडित जी आओ भैया ये मिठाई कैसे, अब उसने ये लड्डू क्या भाव दिए, ये जलेबी कैसे, ये सब मिठाई पर ऐसे ऐसे करे, अंगूठी दी है ऐसे।
ब्राह्मण देवता गंभीरता से सुन रहे, समझ गए। सो वो तो इतनी सी अंगूठी सोने की उंगली में पहने था और वो इतना बड़ा सोने का बाजू बंद बांधे थे पंडित जी, यहाँ चादर ओढ़े बैठे थे। सो जैसे ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो पंडित जी ने ऐसे चादर हटाया और अपना हाथ ऐसे किया, बोले सब एक ही भाव है, कोई भी ले जाओ सब एक ही भाव, ताकि वो भी देखे। अब परशुराम जी दिखाना चाहते कि हम क्या है, ये रहा फरसा। तो फरसे की तरफ देखे ताकि लक्ष्मण जी भी देखे, बोले चितय परस की ओरा, रेसत सुने स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं देखा है, अभी सुना ही नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने देखा फरसे की तरफ, नहीं देखा तो दिखाने लगे। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं, लक्ष्मण जी से सीधे ही बोले, परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देखो, ये देखो मेरा फरसा। लक्ष्मण जी बोले हां देख रहे हैं, फरसा देखकर तुम डरे नहीं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा रहा कि हमने फरसा नहीं देखा, क्यों फरसा देखते तो लड़ाई हो ही जाती, क्यों हो जाती, तो मुझे वीर नहीं समझ रहे हो क्या। लक्ष्मण जी बोले आप केवल फरसा थोड़े ही लिए हैं, एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर परस सुधारे तेज तायो है, एक ओर शूल एक ओर लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है, बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है, मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचिवे को आयो है। हमने वीर समझे, अब तो बड़ा क्रोध आया, मेरा फरसे का अपमान फरसे। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, अगर आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो ब्रह्मचारी का चिन्ह फरसा नहीं है। फिर बोले आप अपने को कहते रहे हो ब्रह्मचारी और दिखा रहे हो फरसा, और ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है। लक्ष्मण जी बोले वो मैंने देखा, इसीलिए नहीं झगड़ा किया। लक्ष्मण जी बोले भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊं सहऊं दिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में देखकर और ब्रह्मचारी का जो चिन्ह है वह देख रहा हूँ, का ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है, बोले यज्ञोपवीत जनेऊ वह देख रहा हूँ, मैं फरसा नहीं देख रहा हूँ। जनेऊ देखकर ही श्रद्धा होती है, फरसा देखकर तो लड़ने का मन होता है। तो ब्रह्मचारी का मुख्य चिन्ह क्या है, यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत पर ब्रह्मचारी को गर्व होना चाहिए कि मैं यज्ञोपवीत धारी हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो दो, लेकिन एक ब्रह्मचारी ने अपना चिन्ह फरसा मान लिया, लेकिन हमारे हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि इनका चिन्ह क्या है, कांधे मूंज जने साजे, कांधे सच्चे ब्रह्मचारी हैं। क्यों, क्योंकि हनुमान परशुराम जी ब्रह्मचारी होने का अभिमान रखते हैं। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं, किसी की निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको भटकाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, पर मैं यह कहता हूं कि परशुराम जी भगवान है, हनुमान जी तो भक्त ही है, पर परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, पर यह लीला है। लीला को बार बार ऐसे समझना चाहिए जैसे माँ किसी बच्चे को चलना सिखाती है तो उसकी उंगली पकड़कर पीछे पीछे चलती है, कहती बेटा आ सीधा बढ़ जा, सीधा सीधा आगे आ जा, बच्चे से कहती सीधा चलो, माँ उल्टा चल रही, तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता,
आता है, लेकिन वह उल्टा चलने की लीला इसलिए करती है ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। तो परशुराम जी जैसे अवतार कोटि के महापुरुषों में अगर यह अभिमान का उल्टा चलना दिखाई दे तो ये उनका दोष नहीं मानना चाहिए। होश में रहकर वे तो भगवान हैं ऐसा जानकर वे तो केवल इसलिए उल्टा चलने की लीला कर रहे हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं, इतनी ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं पर वे अभिमान को भीतर रखते हैं, और हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि वे भगवान को भीतर रखते हैं, वे भगवान को भीतर रखते हैं। अच्छा एक बात है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं पर उन्हें ब्रह्मचारी होने का न भान है न गुमान है, क्यों नहीं है? आज हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा बच्चा 5-7 साल का ब्रह्मचारी है कि नहीं है? लेकिन छोटे से बच्चे से कोई कहता आइए ब्रह्मचारी जी, और अगर कहो तो उसे कैसा अटपटा लगेगा? बालक कहेगा कि मां मैं तुम्हें जानता हूं, मैं नहीं जानता कि ब्रह्मचारी क्या होता है। है वो, लेकिन वह जानता नहीं कि ब्रह्मचारी क्या है, वह तो बालक है। और इसीलिए हनुमान जी और बच्चे का ब्रह्मचर्य सच्चा ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचारी तो है पर उसे ब्रह्मचारी होने का न भान है न अभिमान है, क्यों? वह बालक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सच्चे ब्रह्मचारी हैं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचारी होने का न भान न अभिमान कहा, क्यों? बोले वे भी बालक हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट